और देख सकते हैं कबाड़ों के बीच में बैठी हूँ। और एक ये कुर्ती है, बहुत ही प्यारा गाउन है इस तरीके से। अभी इसमें फिटिंग करवानी है और काफी इसका लेंथ जो है ना बहुत ज्यादा हैवी है। अम्ब्रेला कट है पूरा, इस तरीके से पूरा अम्ब्रेला है और ऐसा कुछ है। और इसकी बाजू फुल बाजू है, बाजू पे भी बटन दे रखे हैं इस तरीके से। ये ऐसा है ब्लैक चेक, और यहाँ पे बेल्ट भी दे रखा है। और इसका जो घेर है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो एक ये कुर्ती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसे नीचे से ना जो है कटवाना पड़ेगा मुझे, बट पता नहीं कब कटवाऊंगी। तो ये कुछ ब्लाउज हैं, ब्लाउज के कलेक्शन भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अभी जब घर गए थे तो एक लहंगा और लेकर आए हैं, और ऐसी सेम टू सेम मेरे पास रेड लहंगा है, बट एक गोल्डन और रेड में भी लेके आए हैं। और इसका दूसरा भी आपको दिखाती हूँ, देखो वहां पे रखा हुआ है, लेके आती हूँ। एक ये शरारा जो है, शरारा है मेरा रेड कलर का। ये शरारा मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर रखा है। और एक मेरा पीच कलर का लहंगा आप लोगों ने शायद करवा चौथ पे देखा था पिछले, जो मैंने वेयर किया था, करवा चौथ की वीडियो शेयर करी थी। बट ये जो है ना मेरा एक शरारा है इस तरीके से, जो कि बहुत प्रीटी लगता है। और इसका ब्लाउज मैं भी दिखा देती हूँ, इसका ब्लाउज, ये वाला ब्लाउज मैंने जो है लिया है इस तरीके से। इस तरीके से इसका ब्लाउज है जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी है। और ये मेरा लहंगा है पीच कलर का, देख सकते हैं पीच और गोल्डन लहंगा है ये पूरा, इस तरीके से पीच और गोल्डन है। और अब इसका इसमें दिखाती हूँ, ये गोल्डन और मैरून है नीचे से, ये जैसे पीच और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, और बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा गाइस। और ये पूरा लहंगा जो है ना गोल्डन में है इस तरीके से। अभी इसका फिटिंग मैंने नहीं करवाया है, तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रॉपर। तो ये है वो लहंगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो देख सकते हैं मेरे पास एक्चुअली, जब मैं घर जाती हूँ ना तो वहां से जो है मैं लहंगे जरूर लेके आती हूँ। मैं मुझे लहंगा लाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वहां पे लहंगे वगैरह मिल जाते हैं। तो ये मैं जब घर गई थी तो कुछ ब्लाउजेज वगैरह बनवाए हैं इस तरीके के पैटर्न में। और ये इसका जो है वीडियो मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने बनवाई है, लेके आई हूँ और अपनी नई लाइफ के लिए। और ये दुपट्टे हैं, हैवी हैवी दुपट्टे हैं, और एक दुपट्टा वहाँ पे रखा हुआ है, वो देख सकते हैं, वो मेरे पहले वाले लहंगे का है। अगेन एक ये कुर्ती है, बहुत ही प्यारा कुर्ती है इस तरीके से। एक्चुअली अटैची में रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा वो हो गया है। तो इस तरीके से इसकी फ्रंट पे डिज़ाइन है। एक्चुअली मैं कुर्तियाँ जो है पहनती नहीं हूँ ना, तो उनको मैं कहीं पे भी फेंक देती हूँ। तो ये काफ़ी लाइट वेट में है, लेकिन सिंपल सा वर्क दे रखा है, बहुत क्यूट है। तो और काफ़ी लॉन्ग है, मैंने कहीं पे देखा था इसे चल रहा था, बट इसे मैंने ऑफलाइन लिया है। और कई सारे ब्लाउजेज वगैरह लिए हैं, मैं सोच रही हूँ कि इनका एक कलेक्शन जो है बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो देख सकते हैं मैं गाइस कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ अपने नेक्स्ट मंथ के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और एक ये वाइट कुर्ती, मैं तो डर गई, मेरे को ऐसा लगा जैसे वो गोजर नहीं होते हैं, वो वाला गोजर। तो एक ये वाइट कलर की कुर्ती, और नीचे यहाँ पे लेस दे रखा है, और इस तरीके का पैटर्न है। और इसके साथ जो मैंने
पैजामी बनवाई है ना, बिल्कुल मैंने एक पंजाबी सॉन्ग में देखा था तो वैसा। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम पहले जब मैं घर पे थी, इसका कलर ही ऐसा है आप वैसा मत सोचना, तो जब मैं काफ़ी टाइम पहले घर पे थी ना तो मैं बहुत ही, मुझे सूट का इतना ज़्यादा शौक था, इतना ज़्यादा कि मैं अनलिमिटेड सूट के कलेक्शन जो है ना सिलवाती थी, बनवाती थी। सब लोग मेरे डिज़ाइन देख देख के परेशान हो जाते थे, बोलते थे यार कहाँ से तुम्हें इतना दिमाग आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैवी हैवी मेरे जैकेट्स वगैरह है ना, तो इनको जो है ना मैं अटैची में करके रखने वाली हूँ, और ये ऑरेंज लेगी के साथ या फिर ऑरेंज सलवार के साथ बहुत अच्छा जाएगा, और मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं ये सब इस तरीके के डिज़ाइन, मेरे पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ रहते थे, तो ये है इस तरीके से, काफ़ी शॉर्ट है ये, और इसका सलवार गाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये, और इसका सलवार और दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, देख सकते हैं इस तरीके से। मैं बहुत कम सूट वेयर करती हूँ, मैं सूट पहले जो है बहुत ज़्यादा परचेज करती थी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये येलो वाला मेरा जो है सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसमें ये कपड़ा जो है बहुत लाइट है, और इस तरीके से मैंने बनवाया है इसको कि मुझे अच्छा लगे ये, और इस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे मशीन में डाल के आती हूँ। सो गाइज, मैंने पहले तो सोचा मशीन में डाल के आती हूँ, फिर मुझे एकदम से ध्यान है कि येलो कलर है, अगर कपड़ों में छूट गया तो सत्यानाश हो जाएगा। एक मेरे पास ये नेट का पैटर्न है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी प्यारी कुर्तियाँ मैं पहले बनवाती थी, बट मैं नहीं पहनती हूँ, सबको रख दिया है। मेरे पास कुर्तियों के कलेक्शन भी इतने ज़्यादा हैं जितने मेरे पास कहते हैं ना एक बड़ा गोडाउन का शोरूम होता है ना, उसके पास इतने कलेक्शन नहीं होंगे जितने मेरे पास हैं। तो ये इस तरीके का पैटर्न है, और इसका फ्रंट में कुछ ऐसा पैटर्न बनवाया मैंने, और पूरा ये मिरर वर्क है, इससे भी मैंने शॉर्ट बनवाया है। तो इसके नीचे का मैंने नहीं बनवाया था, ये मैंने कपड़ा लेके बनवाया था, बट अब इसके साथ वेयर हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने ये वाला कुर्ती देखा, मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ, कलर दोनों का सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, ये हाफ बाजू में है, इसमें बाजू नहीं है, ये वाला जो अभी मैंने आज मैंने आपको पहन के इसको दिखाया था, तो इसमें बाजू नहीं है, और इस वाले में बाजू है, और इसमें इस तरीके का वर्क है, और इसमें मिरर वर्क है, तो ये डिफरेंस है। और वो ग्रीन साड़ी दिख रही है, वो अभी मैंने रिसेंट लिया है साड़ी वो। तो ये है उसका ब्लाउज, मैंने इस तरीके का उसका ब्लाउज बनवाया है, बिल्कुल सिंपल लेस वगैरह लगवा के, तो ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। और एक मेरे पास एक साउथ इंडियन कुर्ती है जो कि बहुत प्यारी लगती थी जब मैं इसे पहनती थी, तो ये पहले का है मेरा, कुछ नया है कुछ अभी का है। तो ये इस तरीके से एक कुर्ती है साउथ इंडियन टाइप्स का, और बीच में इस तरीके से कटा है, और इन सबको मैं, और मैं गाइस बता दूँ, मेरी ये जितनी भी कुर्तियाँ हैं मैंने एक सिर्फ सारी कुर्तियों को एक एक बार ही पहना है, अगेन नहीं पहना है। एक ये मेरा ऑरेंज कलर का वन पीस है, वन पीस भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे पास, और जैसे कि मैंने बताया श्रग वगैरह सब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इतने कपड़ों का क्या करूँगी, अगर मैं कितने साल भी ना खरीदूँ तो भी चलेगा। एक ये ऑरेंज कलर का अभी रिसेंट जो है घर से लेके आई हूँ, जब मैं अपने घर गई थी, ये वाला कुर्ती लिया है, और इसे मैंने फिटिंग नहीं कराया, घर पे सुई धागा से मेरे को एक दिन पहनना था तो सिलाई कर ली, लेकिन मुझे सिलाई पसंद नहीं आती जब तक प्रॉपर फिटिंग ना आए। तो इस तरीके से देखिए, मैंने उस दिन पहना था ना, वीडियो में देखा होगा आपने, उसके बाद मैंने फेंक दिया था, और ऐसा कुछ वर्क है इसमें, बहुत प्यारा लगता है गाइस। मैं इसको ना कल ही फिटिंग करने के लिए दूंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ों का कदर करना चाहिए। और अगेन एक वाइट कलर का इस तरीके से कुर्ती है, यहाँ से भी नीचे मैंने कट करवाया है, मुझे अच्छा लगता है इस टाइप की जो चीज़ें ना, इसे भी पटियाला सलवार वगैरह पे मैं वेयर कर सकती हूँ। लेगी पे तो ये कम जचता है, क्योंकि अगर शॉर्ट आपने कुर्ती बनवाई है तो उसके साथ जो सिंपल वाला सलवार होता है ना, जैसे मैंने अभी येलो वाला पहन के आपको दिखाया था, तो बिल्कुल वैसे ही अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं अच्छा लगता। और एक बार मैं ये कपड़ा लेके आई थी, तो मेरे को पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने बोला एकदम चाइनीज जैसा बनाओ, तो उसने ना मेरा गला एकदम से इतना टाइट बना दिया कि मैं इसको जब पहनती हूँ तो मेरा गला इसमें दब जाता है यहाँ से,
बटन लगे हुए हैं और पीछे पूरा लॉन्ग चैन है इतना लंबा, और इसकी जो कटिंग है ना मैंने पीछे करवाई है। और ये भी कुर्ती बहुत अच्छा लगता है, ये पहनने पे बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें जो ये सितारे हैं ना वो पेट में ना कहीं चुभते रहते हैं। वो भी ये भी पजामे के साथ है, और मेरी बहुत सारी कुर्तियाँ ऐसी थी जिनके ये मतलब ये देखिए चूड़ीदार मैं लहंगी बनवा बनवा के रखी है मैंने इस तरीके से। सो मैंने कभी भी इन लहंगी को यूज़ नहीं किया। देखिए सेम टू सेम आपको थोड़ा इतना मैं बनवाती थी, देखिए आपको कुछ डिफरेंट दिख रहा है, ये मैंने अभी रिसेंट बनवाया था और ये मेरा पुराना है, बस ये थोड़ा सा लाइट है ये थोड़ा सा डार्क है। तो इस तरीके का मेरा कुछ शौक है चीज़ें बनवाने का, रखने का या फिर पहनने का। और अगेन इस तरीके से ये शायद आपने मेरा लॉन्ग ड्रेस देखा ही होगा, ये भी एक कुर्ती टाइप का है बट ये लॉन्ग है काफ़ी। तो ये भी मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये एक हाफ है आगे से, ये मैं जब दिल्ली में थी जब मैंने पहना था, इस तरीके से इसका गला है और फ्रंट में। मैं इसको कभी कभी सोचती हूँ पीछे से थोड़ा सा कटवा के ना इंटरलॉक करवा दूँ, देखती हूँ अगर होगा तो। ये भी बहुत प्यारा मेरा ड्रेस है और इसे तो मैंने आज तक नहीं पहना है, मतलब ट्राई तक नहीं किया है क्योंकि इसका कलर ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये एक अनारकली सूट है और काफ़ी हैवी सूट है, बहुत लोगों को मेरा ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट सच पूछो गाइस तो मैंने सिर्फ इसे एक या दो बार ही पहना है। बहुत 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 इसका कलर की ही वजह से मुझे पसंद नहीं आता और काफ़ी हैवी है देख सकते हैं, बट मैं इसमें देखती हूँ अगर इसकी फिटिंग, तो मैंने इसकी फिटिंग ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। और इसमें पूरा वर्क ही वर्क है, बहुत ज़्यादा वर्क है इस कुर्ती में। पता नहीं क्यों मैं, मुझे इतना शौक होता है ना बन कुर्तियाँ वगैरह लेने का बनवाने का, लेकिन लेके तो मैं बनवा देती हूँ उसके बाद पड़े रहते कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से है ये, इस तरीके से है और फ्रंट पे पूरा इस तरीके से पूरा वर्क हो रखा है ऐसा। और इसमें जो है पीछे से भी इस तरीके से बहुत ही प्यारा वर्क हो रखा है, चूड़ीदार इस काफ़ी घेरा है, घेरा भी काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है और फ्रंट में पूरा वर्क ही वर्क है इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये नेट के पैटर्न में है, बैटरी मेरी लो हो गई है और पता नहीं मैं दिखा पाऊँगी कितना नहीं दिखा पाऊँगी। अगेन ये एक ब्लू कलर की कुर्ती है जो कि ये भी आई थिंक सीधा, ये बहुत प्यारा है, सिंपल है, ऊपर जो है लैकरी का कपड़ा है इस तरीके से और नीचे जो है इस तरीके का कपड़ा है इस तरीके का, ऐसा ऐसा कुछ पैटर्न है। तो ये देख सकते हैं फ्रंट से बिल्कुल ओपन है और ये गाइस जीन्स के साथ ना बहुत गजब का लगता है, ये देख सकते हैं। और ये पूरा लैकरा है, शाइनिंग वाला कपड़ा जिसको बोलते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा शाइनिंग वाला कपड़ा लैकरे लैकरे का। और इसका भी लेंथ काफ़ी काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये। और इसे भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को वेयर करके दिखाऊंगी मैं। मेरा नाखून टूट गया, काफ़ी काफ़ी महीनों से मैंने अपना नेल्स वगैरह ना बिल्कुल जो है अपने नेल्स वगैरह का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अगेन एक इस कलर का है स्किन, कौन सा कलर बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये भी मेरी कुर्ती ना बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इस तरीके से है, ये अच्छी लगती है ये भी। मैं इसको भी धोने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से रखा हुआ था बट पहना नहीं था। तो इसका जो डिज़ाइन है ना, एक टाइम पे इस कुर्ती को मैंने जब बनवाया था, एक सीरियल आया था स्टार प्लस पे या फिर कलर्स पे सीरियल आया था, तब वो जो है जो एक्टर थे ना वो बिल्कुल सेम ऐसी मिरर वाले जो है कुर्तियाँ पहनती थी, तो मुझे इतना पसंद आया था उसकी कुर्तियाँ तो मैंने सेम टू सेम बनवाया सेम टू सेम। तो इस तरीके का है, यहाँ तक लेंथ है, यार मैंने अपना एडिडास वाला जो है लोअर पहना हुआ है,
मुझे बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा आलस आता है कपड़े बदलने में, कपड़े पहनने में। और अभी कुछ दिन पहले मैंने शौक शौक में ना ये मैंने किसी गाने में देखा था, तो मैंने इसका जो है बहुत अच्छे से डिटेल बताया था। मैंने इसका बहुत ज़्यादा कपड़ा दिया था, लेकिन वो लेडीज़ टेलर ने ना पूरा कपड़ा जो है रख लिया और मेरा जो है पैजामा ख़राब कर दिया। पूरा सेट बनवाया था, देख सकते हैं, बच्चों जैसा पजामा बना के दे दिया। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐसा बनवाया था, बिल्कुल छोटी मोहड़ी वाली इस तरीके से। और उसने यहाँ पे एक तरफ जो है जेब दे दिया है, ऐसा पैंट वाला लुक। तो इसका जो है ना पूरा कपड़ा उन्होंने बचा लिया था। तो मैं बता दूँ, और इसका जो है ये कुर्ती था, मैंने कपड़ा लेके बनवाया था बहुत शौक शौक में, पूरा ख़राब कर दिया। और बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा ये बुरा कर देगा, बट इसमें मार्जिन अंदर बहुत ज़्यादा है। चाहे तो मैं इसे सही करवा सकती हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि ये सही हो जाए। तो ये इस तरीके का है, बिल्कुल शॉर्ट, इसके साथ ये वाली पैजामी बनवाई थी मैंने, ये दोनों, और ये कपड़ा लेके बनवाई थी मैं, बट पूरा ख़राब कर दिया गाइस, पूरा टोटली ख़राब कर दिया है। मेरा गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, क्योंकि इसे मैंने बहुत मन से बनवाया था। सो गाइस, मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं फटाफट एंड करना चाहती हूँ। एक ये मेरी कुर्ती है, इसे भी मैंने कपड़ा लेके बनवाया था इस तरीके से, और फ्रंट में ऐसा है, और ये भी काफ़ी लॉन्ग है, तो इस तरीके से है, और बिल्कुल स्ट्रेट है ये। तो ये है एक कुर्ती मेरी। और अगेन मैंने इसे किसी फंक्शन के लिए बनवाया था। ये सूट जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कुछ सूट मेरे बहुत फेवरेट थे तो, बट अब वो मेरे पास नहीं है। मैं जब सूट लेके घर जाती थी तो सिस्टर को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता था, तो वो ले लेती थी, तो मैं मना भी नहीं करती थी। और इसका वर्क देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये हैवी सूट है, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। नीचे कुछ नहीं है इस तरीके से, मैं बता दूँ जितना हैवी लहंगा होता है ना इसका वेट उतना ही है। और इसके बैक में इस तरीके से डिज़ाइन दे रखा है, तो देख सकते हैं। और इसके गले पे कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये आता है, बहुत खूबसूरत लगता है गाइज, ये वाला मेरा जो सूट है ना बहुत खूबसूरत लगता है। इसके साथ जो है ना पैरेट ग्रीन कलर का सलवार है, बट इसे मैं मशीन में नहीं धोती, ये उसकी पैजामी है। ऐसा धागे ऐसे चिपक रखे हैं कि मैं डर जा रही हूँ, ये उसकी पैजामी है सलवार। सो गाइस, ये भी कुर्ती जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, बट इसका सलवार शिफ्टिंग में खो गया, इसकी वजह से मैं इसे पहन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इसकी पैजामी जो है कौन सा पैंट बोलते हैं, सेम जैसा मैंने व्हाइट वाला बनवाया ना बिल्कुल वैसा है, क्योंकि इसका कपड़ा जो है ना नीचे से झलकने वाला है। तो वो देख सकते हैं इस तरीके से, ये काफ़ी लॉन्ग है, मैं इसे एक बार दिखा देती हूँ कि कितना लॉन्ग है। तो ये इस तरीके का है, बिल्कुल स्ट्रेट, सेम टू सेम ऐसा स्ट्रेट है ये। तो देख सकते हैं फंस गया ये। तो ये मैंने एक पार्टी के लिए बनवाया था, इसकी बाजू जो है नेट की बाजू थी, बट काट दिया था मैंने। तो ये देख सकते हैं पिंक एंड ब्लू, इसका जो स्पार्कल है ना वो पिंक कलर का है। तो ये इतना गाइस, मेरा कुर्ती का कलेक्शन कैसा लगा? एक ये सिंपल येलो कलर का है, ये भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ऐसी सेम टू सेम एक और सेम ऐसी एक और ब्लू है, जिसमें भी आप लोगों ने मुझे पहले पहले किसी वीडियो में देख रखा है। तो वो अभी कहाँ पे है मुझे मिल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मैं उसे ढूंढ नहीं रही हूँ। कई सारे ब्लाउजेज़ वगैरह जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सब ब्लाउज़ के कलेक्शन अनलिमिटेड कलेक्शन देख लेके आई हूँ मैं, अनलिमिट लिमिट से भी ज़्यादा कलेक्शन है, ये देख सकते हैं। तो ब्लाउज़ के जितने भी कलेक्शन है ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी अगर मैंने शेयर करने बैठी ना तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कपड़ों के बीच में फंस गई हूँ, और कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े, चारों तरफ कपड़े ही, तो मैं परेशान हो चुकी हूँ कपड़ों से। और
इनका कल सुबह हिसाब किताब करूंगी। और एक ये मैं टॉप और लेकर आई हूँ अभी। ये टॉप भी बहुत प्यारा टॉप है, तो वीडियो को एंड करने वाली हूँ तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। बहुत सिंपल सा है, एक मिक्की बना हुआ है, बट बहुत क्यूट लगता है। इसका बाजू बहुत क्यूट है। ओह माय गॉड, इसका बाजू बहुत क्यूट है ना, इस तरीके का इसका बाजू है, देख सकते हैं। इसका बाजू बहुत क्यूट है और यहाँ पे एक मिक्की बना हुआ है, और दोनों तरफ जो है इस तरीके से कट है, साइड में कट है दोनों तरफ। तो ये इस तरीके का है, इसका बाजू बहुत क्यूट है, और आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और बहुत, मैं बहुत सारे ब्लाउजेस बनवा के लाई हूँ, बहुत सारे, देख सकते हैं। मैं ये किन किन के ब्लाउज हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और मेरी जो है और कुर्तियों के कलेक्शन है बट मिल नहीं रहे हैं, और देख सकते हैं 1 2 3 4 5 थैले और है, जिनमें मतलब और भी मेरे काफ़ी एक्सपेंसिव महंगे महंगे जो है कुर्तियाँ और सूट वगैरह कहीं रखे हुए हैं, बट वो मैं अभी उनको ढूंढ नहीं रही क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर दूँ, अदरवाइज मैं इसमें खो जाऊँगी, क्योंकि बहुत है यार, बहुत ज़्यादा है। और आपको बता दूँ, लेगी का पूरा मतलब एक ये वाला जो थैला है ना, ये वाला पूरा लेगी और पैजामियों से भरा भरा है। बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो चुके हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँगी इनका, कैसे पहनूँगी, कब तक पहनूँगी। तो खैर गाइस, बस इनफ है। और अभी जो है मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, मैंने ये लोअर डाल लिया है, इस तरीके से मैंने डाल लिया है लोअर। और इतना कलेक्शन होने के बावजूद भी मैं एक फिर से पैंट लेके आ गई हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं लेती रहती हूँ। एक कुर्ती देखो मेरी टंगी हुई है यहाँ पे, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके की कुर्ती है, ये पीछे का डिज़ाइन मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके का ब्लैक कॉटन में, काफ़ी लॉन्ग है ये, और इसके फ्रंट पे चैन है, इस तरीके से मैं दिखा दूँ आपको। तो इस तरीके से ये चैन बिल्कुल ऐसे बंद हो जाएगा, और लेंथ में भी काफ़ी लेंथ है इसका। तो ये है, सो गाइज मैं इस वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। और मैंने लेंस जो निकाल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, और मैं हो सकेगा तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपने जीन्स का कलेक्शन भी शेयर करूँगी कि मेरे पास कितने सारे जीन्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सी पे भी कुछ पैंट्स और जीन्स पड़े हुए हैं, और हर जगह कुछ ना कुछ फेंके रहते हैं घर में। तो ये देखिए नया वाला पैंट, और ये और एक टॉप यहाँ पे फेंका हुआ है, तो इसे भी मुझे धोने के लिए डालना था मशीन में बट मैं भूल गई। ये अभी मैं ऑनलाइन मंगाया है मैंने एक ग्लव फैक्ट्री से, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो ये हाल हो रखा है घर का, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत बुरा हाल है। जितने ही ज़्यादा ज्वेल मतलब कपड़े हैं, उतने ही ज़्यादा ज्वेलरी के कलेक्शन, मेकअप के कलेक्शन, और अनलिमिटेड कलेक्शन ही कलेक्शन। ओ माय गॉड, मैं परेशान हो गई, मैं अकेले कितना पहनूंगी। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सारा मेकअप, लेंसेज वगैरह, ये पूरा मेरा मेकअप का जो एक कलेक्शन है, ये मेरी सिर्फ चूड़ियों का एक पार्ट है, और इसके 90 पार्ट्स जो है ना रखे हुए हैं भर के, और नीचे वाले रैक में थैले में भर के रखे हुए हैं। सो गाइज, इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।